दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से उस आदेश को वापस लेने की गुजारिश की है जिसमें हर कोरोना वायरस संक्रमित मरीज को क्वारंटाइन केंद्र जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा इससे मरीजों पर अत्यधिक दबाव बन रहा है। मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को खत लिखकर इस आदेश को वापस लेने के लिए गुजारिश की। आपको बता दें मंगलवार को डिजिटल प्रेस वार्ता के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई व्यवस्था में अब कोरोना मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर जाना जरूरी हो गया है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में व्यवस्था बदलने से दिक्कत बढ़ी है। कोरोना पॉजिटिव आते ही लोगों के सामने असमंजस की स्थिति आ जाती है और उनको क्वारंटाइन सेंटर जाना ही पड़ता है क्योंकि पुलिस प्रशासन उनको फोन करने लगता है। पहले इन लोगों ने होम क्वारंटाइन में बंद रहना ही सुनिश्चित किया था, अब इसको दोबारा लागू करवाया तो लोगों में व्यवस्था बदलने से दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति लाइन में लगेगा तो भी समस्या बढ़ेगी। इस व्यवस्था की वजह से एम्बुलेंस व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ रहा है। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली में जो पहली व्यवस्था थी, अगर कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो हमारी टीम उस व्यक्ति के घर जाती थी और उसका चेकअप करके तय करती थी कि वह होम क्वारंटाइन में रहेगा या सरकारी व्यवस्था में क्वारंटाइन सेंटर में जाएगा, उसे लागू किया जाए। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।